हेलो एवरीवन वेलकम टू एकेडमी आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और बहुत बार पूछा गया है यदि आप लोग तैयारी अच्छी है तो इन 20 प्रश्नों में से कितने पच्चीस प्रश्नों में से बीस का जवाब आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए आप लोग को बता दो यह वीडियो आप लोग के वन लाइनर मिलने वाली इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगी वो आप लोग को मल्टीपल चॉइस होगी यानी आप लोग टेस्ट सीरीज के रूप में दी जाएगी पहला सवाल आप लोग के सामने है विश्व पृथ्वी दिवस दो का थीम क्या था क्या था विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था आप लोग ध्यान रखना है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट यानी ऑप्शन आप लोग का क्या होगा इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल है किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के में बड़ोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है किसके द्वारा किया गया था ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था अगला सवाल है किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है उनका नाम है रोहित शर्मा कौन है इंडियन टीम के रोहित शर्मा को फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाईस के नामित किया गया है अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग ध्यान दीजिएगा किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है यह देश है रूस कौन सा देश है रूस अगला सवाल सख्सब की शुरुआत कब हुई थी यह हुई थी अठहत्तर ईस्वी में कब हुई थी अठहत्तर ईस्वी में सख्त संबंध की शुरुआत हुई थी अगला सवाल जोधपुर की स्थापना किस राजपूत ने चौदह में की थी किसके द्वारा किसी राजा जो रा राव जोध के द्वारा यह की गई थी अगला सवाल है कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था क्या बनवाया था एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया था किसके द्वारा कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के शिव मंदिर के द्वारा बनवाया गया था किसको एलोरा के शिव मंदिर को कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था अगला सवाल हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किस, किस वर्ष में हुई थी 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी अगला सवाल है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है यह जोड़ा गया था अगला सवाल वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं है ये है कितने है? है आप को याद रखना अगला सवाल निम्न में से कौन राज्य विधान परिषद नहीं है यानी किस राज्य में विधान परिषद नहीं है आप लोग पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है अगला सवाल है बिंग बैंक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबाधित है से संबंधित है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है अगला सवाल है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है कहाँ पर है कैलिफोर्निया में कहाँ पे है नासा की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है कैलिफोर्निया में पौधे के कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे ये थे बहरुद्दीन तैयब जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत बार आप लोग एग्जाम में देखने को मिला है चाहे किसी कोई भी एसएससी एग्जाम हो चाहे एस 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 सी चाहे एम चाहे सी ठीक है अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे ये जॉर्ज यूले थे कौन थे जॉर्ज यूले अगला सवाल है ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में कहाँ पे है ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है भगत सिंह को किसे भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है अला सवाल है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है किसको जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है बौद्ध गया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वीडियो आप लोग अच्छी रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगला सवाल है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ये थे गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे अगला सवाल है बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है आई होप इसका भी क्वेश्चन रिपीट हो गया बौद्ध धर्म से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव आप लोगों को पता है अला है चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल है भारत के कौन सा शहर गुलाबी नगर से नाम से जाना जाता है जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है अगला सवाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था भगत सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था तेरह है 25 क्वेश्चन आप लोग को अब जो सेकेंड वीडियो मिलने वाली है वो आप लोग को एम सी क्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो आप लोग तैयार रहिए उस सीरीज का आप लोग वेट कीजिए यह वीडियो आप लोग को एक सीरीज के रूप में मिलने वाली है वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं